मनोज तिवारी जो यहाँ से सांसद थे, बीते 5 सालों से एक बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है, कैसा उनका कार्यकाल कैसा था, काम कैसा लगा आपको? काम तो क्या कहूँ, आपको सही लगा, जो नहीं लगा क्या कहूँ, जैसे अपने चलते रहे, जो चलते रहे। कैंडिडेट हैं उनके लिए वोट करेंगे, तिवारी जी के लिए। आप जब वोट करते हैं लोकसभा चुनाव में, तो आप प्रधानमंत्री का चेहरा देखते हैं या फिर अपने क्षेत्र के कैंडिडेट का? अपने क्षेत्र के कैंडिडेट का भी देखते हैं। आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर आप वोट करने जा रहे हैं? साफ सफाई सर, साफ सफाई सबसे बेस्ट जी सर, साफ सफाई, जो काम करने वाला वर्कर हो उसका। इस वक्त हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आए हुए हैं, जहां जनता से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वे किस आधार पर अपने कैंडिडेट को वोट करने जा रहे हैं। गौरतलब है कि यहाँ से मनोज तिवारी, शीला दीक्षित जैसे बड़े प्रत्याशी खड़े हैं। चूंकि ये वीआईपी सीट है, तो लोगों का रुझान जानना भी जरूरी है। आप बताइए हमें, लोकसभा चुनाव में जो 12 तारीख को वोट होगा, उसमें आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मुद्दा ये कि ना सर, जो भी हो ना, अच्छा होना चाहिए, और हम तो चाहेंगे कि हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे। बीजेपी को ही वोट देंगे, लेकिन मुद्दा क्या होगा, क्या आधार होगा? जी हमको अच्छा रोजगार मिले। अच्छा, हाँ जी, अच्छा रोजगार, हाँ जी। आप बताइए कि यहाँ से मनोज तिवारी सांसद थे, उनका काम कैसा लगा आपको? काम तो सर सही से सभी पार्टियाँ काम करती हैं, लेकिन मेरा मुद्दा तो ये है कि रोड जो किनारे पार्किंग जो गाड़ी खड़ी होती हैं, मैं रिक्शा चलाता हूँ, तो इनको जो है कम से कम कंप्रोमाइज करिए कि गाड़ी जो खरीदें या बेचें, रोड के किनारे गाड़ियाँ खड़ी होना बंद, ये मुद्दा है, जो सरकार करेगी उसके आगे कामयाब हो। क्यों वोट करने जाएंगे, क्या आधार होगा, मुद्दा क्या होगा आपका? हम उनको मनोज तिवारी को ही वोट देंगे जी। आपका मुद्दा ही मनोज तिवारी है? हाँ जी। आप बताइए क्या बताएं सर, मुद्दा आपके लिए मोदी होगा या फिर यहाँ जो कैंडिडेट है उसके लिए आप वोट करेंगे? कैंडिडेट है उनके लिए वोट करेंगे, तिवारी जी के लिए। अच्छा, हाँ जी। आप तो वोट करते नहीं होंगे, आप आइए, रिजल्ट डालेंगे। आप ये बताइए, जब आप लोकसभा का चुनाव होता है तो आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है, देश का प्रधानमंत्री जो बनेगा या फिर जो है जो आपके कैंडिडेट में सांसद बनेगा? अभी तो सबको जाहिर सी बात है कि अभी नरेंद्र मोदी का ही सबसे प्रधानमंत्री बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं सब, तो अभी तो हमारा मुद्दा ये नहीं है, हमें देश को ही बचाना। अपने कैंडिडेट से मतलब नहीं है? जी अभी तो नहीं है, कैंडिडेट से मतलब नहीं है, हमें तो मोदी को ही जिताना है जी। अच्छा, हाँ जी। आप कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ मोदी जी जो हैं उन्होंने अच्छा काम किया है। आप बताइए। केजरीवाल। अच्छा, आप जब वोट करेंगे इस बार चुनाव में, आपके लिए मुद्दा क्या होगा, क्यों आप वोट करेंगे? सबसे पहला रोजगार, अभी तक इन्होंने कहते तो बीजेपी वालों ने कोई रोजगार नहीं दिया, जिसका वादा हुआ था ना वो वादा अभी तक पूरा नहीं किया। मनोज तिवारी तो नदारद रहते हैं यहाँ से। मनोज तिवारी जो यहाँ से सांसद थे, बीते 5 सालों से एक बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है, कैसा उनका कार्यकाल कैसा था, काम कैसा लगा आपको? काम तो क्या कहूँ, आपको सही लगा, जो नहीं लगा क्या कहूँ, जैसे अपने चलते रहे, जो चलते रहे, जो जो कोई करेगा क्या कहूँ वही लेगा। 12 तारीख को यहाँ वोटिंग होने वाली है लोकसभा चुनाव के लिए, बीते 2014 में यहाँ से जीते मनोज तिवारी, उनका कार्यकाल कैसा लगा आपको? सही लगा था, बढ़िया था। इस बार जब आप वोट करेंगे तो आपके लिए मुद्दा क्या होगा? मुद्दा क्या है, जो अपने आदमी सोच समझ के बात करता है, काम करेगा वही करेगा ना। मान लो वोट तो किसी को, जिसको मन चाहे दे उसको देगा वोट तो। कुछ मुद्दे होते होंगे, रोजगार, डेवलपमेंट, वो तो सब, साफ सफाई, वो तो सबका अपना अपना है। हाँ। कैसे कोई क्या करवाता है, क्या करता है, अपने क्या है। कार्यकाल ठीक लगा था? ठीक है। आप बताइए, मनोज तिवारी, शीला दीक्षित या कोई और? नहीं, मनोज तिवारी का अच्छा लगा था कार्यकाल। जब आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं, शीला दीक्षित और मनोज तिवारी को, कौन बेहतर आप पाते हैं, किसको? यही अभी जो है। आप बताइए भैया, वोट नहीं करते क्यों? वोटिंग है नहीं, 18 साल के नहीं हो अभी, नहीं, प्लस ऊपर मैंने बनवाया, तो बनवा लो यार। तो चलिए और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि लोकसभा चुनाव जो यहाँ से अभी वोटिंग होने वाली है 12 तारीख को, आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर आप वोट करने जा रहे हैं? सर हमारे यहाँ पे सर जो भी सिस्टम, साफ सफाई सर, साफ सफाई सबसे बेस्ट जी सर, साफ सफाई हमारे यहाँ के सर सिस्टम निगम पास से संजय गोयल जी, तो सर काफ़ी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे सर, यहाँ पे साफ सफाई जो भी है सर बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट कर रखा है सबको, जितने भी यहाँ पे काम करते हैं सर काफ़ी टाइम से उन्होंने। यहाँ से जो अभी सांसद हैं जो जीते थे 2014 में, मनोज तिवारी जी सर, उनका कार्यकाल कैसा लगा था आपको? सर बहुत बढ़िया है। शीला दीक्षित,
सरोली मनोज तिवारी सर, उन्होंने जो यहाँ पे कार्य करते सर बहुत अच्छा काम करते हैं। आप बताइए, दुकान वाले जानते हैं मतलब आप यहाँ से हैं, ये बताइए कि बीते 5 सालों में मनोज तिवारी का कार्यकाल कैसा लगा आपको? मनोज तिवारी का तो पता नहीं सर, मोदी का जरूर पता है। मोदी का पता है। वोट करते हो तुम? हाँ जी। जब वोट करते हो लोकसभा चुनाव के लिए, तो सबसे पहले क्या सोचते हो, प्रधानमंत्री को वोट करने जा रहे हो या अपने क्षेत्र के सांसद को? हम तो प्रधानमंत्री ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, प्रधानमंत्री भी करते हैं। 12 मई को यहाँ चुनाव होने वाला है, पूरी दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट में भी होगा। यहाँ से ये एक VIP सीट मानी जा रही है, ये जहाँ से मनोज तिवारी, शीला दीक्षित और भी कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं। आप जब वोट करने जाएंगे, आप ये चेहरे देखेंगे या फिर सीधे प्रधानमंत्री का चेहरा देखेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री का ही चेहरा देखेंगे, ये तो उनके वो सहायक हैं जो काम करेंगे, क्योंकि मेन तो प्रधानमंत्री है, उन्हीं की ही क्रियाकलाप में सारे आगे कार्य होंगे, जो वो आदेश देंगे वही पार्टी उनका कार्य को करेगी। कैंडिडेट मायने नहीं रखता? नहीं, कैंडिडेट मायने रखते हैं, बिना कैंडिडेट के तो कोई भी तो टीम वर्क है, विदाउट टीम वर्क कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। जब आप वोट करती हैं, वोट तो काफी वक्त से आप करती होंगी, आपके लिए मुद्दे क्या होते हैं, क्या आधार होता है, आप क्यों वोट करते हैं? वोट अपने देश की प्रगति के लिए करते हैं, हमारे जो दैनिक यूज प्रयोग के लिए चीजें हैं वो आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए, आसपास का जो वातावरण होना चाहिए वो शुद्ध होना चाहिए, ठीक है? आप बताइए, आप जब वोट करती हैं चेहरा किसका देखती हैं, अपने कैंडिडेट का जो आपसे आपके क्षेत्र से लड़ रहा है या फिर सीधे प्रधानमंत्री का? जो काम करने वाला वर्कर हो उसका, जो काम करेगा, जो कर सकता है या जो कर चुका है उसके लिए देखते हैं हम लोग पहले से। मुद्दे क्या होते हैं आपके? मुद्दे हमारे जो रेगुलर हैं उसी को लेकर चलते हैं हम लोग, लोकल मुद्दे क्योंकि लोकसभा के चुनाव, अगर लोकसभा से रिलीज होगा फंड तभी तो आगे कोई काम होगा, नहीं तो कहाँ से कम करोगे कुछ भी? हमें हम भी वही देख रहे हैं जो ये देख रहे हैं। इस इलाके में माहौल आपको किसका लग रहा है? मुझे तो झाड़ू वालों का लग रहा है, आज तक का, केजरीवाल का, केजरीवाल का माहौल लग रहा है। आपको माहौल किसका लग रहा है, माहौल आपको किसका लग रहा है? केजरीवाल को, मोदी का ही ज्यादा है, क्योंकि पढ़ी लिखी जनता तो मोदी को ही चाहती है। मोदी का ही होगा, 90% उम्मीद है मोदी का ही है और हम भी मोदी को ही चाहते हैं कि वो ही आए। एक झाड़ू, आप बताइए। हम भी मोदी को ही देना चाहते हैं। ये सारे झाड़ू वाले नहीं, ये तो इसमें प्रेशराइज नहीं है, ये तो अपनी मर्जी का काम है, ये प्रेशराइज नहीं है, कोई किसी को वोट डाले वो उसकी मर्जी है, इच्छा है। ये लोकतंत्र का मतलब क्या है? मैंने कहा मोदी में इतना संभाला है, आगे भी लगता है उम्मीद है कि वो आगे भी संभालेंगे देश को, ट्रांसपेरेंसी उन्होंने कर दी है। हाँ, जब आप वोट करेंगे आपके लिए मुद्दा क्या होगा? मुद्दा ये होगा हमारा कि हम देखेंगे कि हमारे देश को कौन संभाल सकता है। हाँ, महंगाई है। आप बताइए, आपके लिए मायने कौन रखता है लोकसभा के चुनाव में, प्रधानमंत्री या फिर आपके कैंडिडेट से जो चुनाव लड़ रहा है? प्रधानमंत्री। हाँ। कैंडिडेट मायने नहीं रखता? नहीं, जो भी काम अच्छा करेगा उसके लिए, ये तो नहीं, वैसे तो प्रधानमंत्री तो मोदी तो है ही। दुकानदार बैठे हुए हैं जिनसे माहौल हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस इलाके में माहौल किसका चल रहा है। लोकसभा चुनाव सामने है, 12 मई को वोट होगा, वोट करने जाएंगे? जाएंगे। माहौल किसका लग रहा है? माहौल क्या पता नहीं, ये खुद क्या बताए, माहौल क्या पता नहीं, खुद क्या बताए बस। अच्छा, वोट करेंगे किस आधार पर? वोट तो मोदी के आधार पर करेंगे। मोदी के आधार? आप बताओ भैया, वोट करते हो? वोट करोगे किस आधार पे करोगे? मोदी के जी को, मोदी के आधार पर। कैंडिडेट देखते हो या नहीं अपने क्षेत्र का? कैंडिडेट देखकर करेंगे। आपके क्षेत्र से कौन है कैंडिडेट? मनोज तिवारी। मनोज तिवारी का पिछला कार्यकाल कैसा लगा था? पिछले कार्यकाल तो सर हुआ नहीं था तो उसमें पता नहीं चला कुछ। तो मोदी के आधार पे वोट करोगे? आप आइए, बोल तो रहे हो, ये बताओ वोट करोगे नहीं करोगे? मोदी को। हाँ। कैंडिडेट नहीं देखते हो इलाके का कौन लड़ रहा है? तो यही है नहीं हमारा, वो है जो भी है तुम्हारा हिंदुस्तान में है ना। हाँ। तो वोट करते हो तो क्या देखते हो तुम, प्रधानमंत्री या फिर कैंडिडेट जो तुम्हारा होगा? इस टाइम तो मोदी को वोट देंगे, मोदी जी कर रहे जी, और कोई नहीं करेगा।
नहीं, किसी के बस की नहीं है, पप्पू अप्पू सब बेकार है। पप्पू मत बोलिए, जिम्मेदार नेता है। नहीं जी, नेता कहाँ है वो। आप बताइए किसका माहौल लग रहा है यहाँ। माहौल तो जी मोदी जी का है, और केजरीवाल ने ऐसा कुछ करा भी नहीं है। हमें वो नेता चाहिए जो दुश्मनों को जवाब दे सके। हाँ जी, तो आपके लिए मुद्दा बालाकोट है। मुद्दा बालाकोट भी है, उरी भी है, और इससे बड़े बड़े मुद्दे और भी आएंगे अभी। हाँ जी, आप बताइए माहौल किसका लग रहा है। मुझे तो केजरीवाल का लग रहा है, क्योंकि केजरीवाल ने बाकी दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया है, और हॉस्पिटलों में जाओ तो दवाइयाँ फ्री मिलती है, ऑपरेशन फ्री होते हैं। 12 मई को यहाँ वोटिंग है, वोट करने तो जाएंगे आप। हाँ जी, आपके लिए मुद्दा क्या होगा। मुद्दा क्या होगा, महंगाई। महंगाई, जब आप वोट करेंगे, जैसे अभी लोकसभा चुनाव है, तो आप वोट करते समय प्रधानमंत्री को देखेंगे या फिर आपके क्षेत्र में जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है। दोनों को ही देखेंगे, बिल्कुल। आप पुलवामा हमला, पुलवामा, यस, आतंकवाद पर, यस, डेवलपमेंट भी काफी अच्छा हुआ इन पिछले 5 सालों में। अच्छा, आपका जो यहाँ पे सांसद था, उनका आपको काम कैसा लगा बीते 5 सालों? बहुत अच्छा काम किया, कैंडिडेट को सीधा करके रखता है। अच्छा, आप बताइए जी, बोलिए, पहने रहिए, उतार क्यों रहे हैं? हम सुनाई देता है, हैं? हम सुनते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि माहौल किसका लग रहा है। माहौल तो बीजेपी का ही लग रहा है, बीजेपी का ही है। ऐसा क्या कर दिया? ऐसा नहीं, जो मोदी जी ने काम किया वो तो सबको दिखाई दे रहा है, मेरे का क्या है। मोदी जी जो कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं। वोट करेंगे जब आप 12 तारीख को, तब आप क्या होगा आपके लिए मुद्दा, क्या होगा, किस आधार पर आप वोट करेंगे? विकास, सबका साथ, सबका विकास, यही मुद्दा है। विकास आपके लिए मुद्दा होगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कैंडिडेट मुद्दा होता है यहाँ से चुनाव जो लड़ा है, या फिर सीधे प्राइम मिनिस्टर? कैंडिडेट तो खैर ठीक है, आपकी बात, कैंडिडेट भी जरूरी है। अब उन्होंने दिया है तो कोई सोच समझ के दिया होगा। क्या मुद्दा है इस बार? मुद्दा कोई नहीं, प्रधानमंत्री से मुद्दा है। कौन बनने जा रहे हैं? माहौल क्या? नरेंद्र मोदी। मोदी कोई अपू पप्पू नहीं बनेंगे। 12 मई को यहाँ पे वोटिंग है। हाँ जी, आप ये बताइए आप किस आधार पर वोट करते हैं? हम तो देश की सुरक्षा और देश के विकास, इन दोनों के आधार पर ही वोट करेंगे, और व्यक्ति विशेष को भी जरूर देखा जाता है, और पर देश सबसे पहले है। क्योंकि आप जब वोट करते हैं लोकसभा चुनाव में, तो आप प्रधानमंत्री का चेहरा देखते हैं या फिर अपने क्षेत्र के कैंडिडेट का? अपने अपने क्षेत्र के कैंडिडेट का भी देखते हैं। अच्छा, हाँ, और प्रधानमंत्री का देखते हैं। मोदी साहब भी जीतेंगे। दोनों का चेहरा देख के हम, मेन क्या है कि हमारा जो आज की डेट में जो विकास है वो रुकना नहीं चाहिए, और हम उसी को देखते हुए ये इस 12 तारीख को हम अपने चुनाव में मोदी जी को वोट देंगे। मोदी जी के नाम का ही वोट होगा।